हेलो फ्रेंड्स, आहा जिंदगी एडुकेयर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 10 साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके दिए गए हैं, विच सिग्नल्स will get disrupted in case of a spinal cord injury। ठीक है, तो इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं। तो देखिए, which signals will get disrupted in case of a spinal cord injury। ठीक है, तो यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा, the reflex arc connections, connections between the input and output input and output nerves meet in a bundle। ठीक है, मीट इन अ बंडल कहां जाके, इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इनफैक्ट, ठीक है, इनफैक्ट नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी All over the body meet in a bundle ठीक है bundle in the spinal cord। On their way to the brain, to the brain. In case of any injury, in case of any injury to the spinal cord, spinal cord, the signals, the signals coming from the nerves coming from the nerves as well as the signals as well as the signals coming to the receptors, okay, to the receptors will be disrupted। ठीक है, will be disrupted। ठीक है, तो क्या हम लोगों ने देखा, देखिए यहां हुआ क्या, the reflex arc connections
बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट इन अ बंडल, ठीक है, एक बंडल में मिलते हैं, कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड में, इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब इनफैक्ट नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, नर्व्स जो होते हैं पूरे बॉडी से, मीट इन ऑल ओवर द बॉडी, मीट इन द बंडल, पूरे बंडल में मिलते हैं, इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ऑन देयर वे टू द ब्रेन, मतलब ब्रेन के रास्ते, ठीक है। इन केस ऑफ एनी इंजुरी, जब किसी प्रकार का इंजुरी होगा स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है, द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द नर्व्स एज वेल एज द सिग्नल्स कमिंग टू द रिसेप्टर्स विल बी रिसेप्टर, क्या होगा? किसी प्रकार का कोई सिग्नल आएगा, क्या हो जाएगा? रिसेप्टर से हो या फिर कहीं से भी होगा, तो क्या हो जाएगा? वो डिस्टर्बेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस के आंसर को पाने के लिए आपको आज जिंदगी एडुकेयर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, ठीक है। तो उस लिंक को आप क्लिक करें और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस प्लस मैथ और साइंस का 8 to 12 स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स।